हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटवाहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 की केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 15। इस पार्ट में हम लोग एनसीईआरटी बुक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आपको बता दें कि ये जो प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इन प्रश्नों को आपको समझा दूंगा, पर इसका जो नोट्स है आप स्वयं लिखेंगे, तो इसलिए आप हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो आपको बता दें कि मैग्नीशियम जो है एक बहुत ही अभिक्रियाशील तत्व है, जो कि नम वायु के संपर्क में रखने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम रिबन पर जमा हो जाता है, जो कि मैग्नीशियम रिबन को जलने में अवरोध उत्पन्न करता है, यानी उसको जलने नहीं देता है। अतः मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत को अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है, यानी इसको रेगमाल लगा के अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है, फिर मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है। तो देख लीजिए हम इसको लिखेंगे कैसे, कि नम वायु के संपर्क में आने से मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जो कि मैग्नीशियम रिबन को जलने में अवरोध उत्पन्न करती है। अतः मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे रगमार से अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है, और साफ करने के बाद पुनः उसको जलाया जाता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो आपको बता दें कि जो कॉपर सल्फेट CuSO4, इसका जो विलयन होता है एक्वस सॉल्यूशन, उसका रंग नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। और जब इसमें लोहे की कील मतलब कि आयरन डाली जाती है तो विलयन आपका बन जाता है FeSO4 प्लस Cu, यानी FeSO4 ये आपका हो जाता है कॉपर सल्फेट, और इसका जो रंग हो जाता है वो हरा हो जाता है। पहले कॉपर सल्फेट का रंग नीला था, जब उसमें आयरन मतलब लोहे की कील डाली जाती है तो आयरन क्या करता है कॉपर सल्फेट को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है और स्वयं फेरस सल्फेट बना लेता है, जिसका रंग कैसा हो जाता है हरा हो जाता है, और यू क्या होता है अलग हो जाता है। तो यहां हम देखते हैं कि पहले कॉपर सल्फेट का रंग कैसा था, नीला था, अब फेरस सल्फेट का रंग कैसा हो गया, हरा हो गया। तो कारण क्या है? तो आप बता दें कि यफी की जो सक्रियता है वो Cu से बहुत अधिक है, और जब इसकी सक्रियता अधिक है तो वो क्या करता है कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिससे क्या होता है विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे। आयरन की सक्रियता कॉपर से अधिक है, इसलिए लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की विलयन में डालने से आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट बना देता है, जिससे विलयन का रंग बदल जाता है, अर्थात विलयन का रंग नीला से हरा हो जाता है। हाँ, एक चीज है, जहां आप लोहे की कील लिखेंगे तो
तो लोहे की कील, ठीक है, लोहे की कील, यहाँ आप लोग लोहे की कील कोष्टक में आप आयरन भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आयरन, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन, लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो लोहे की वस्तु होती है वो नमी और अम्लों के साथ क्रिया करती, लोहे की वस्तु जब नमी और अम्लों के साथ क्रिया करती है तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जो जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर पेंट कर दिया जाता है, जिससे पेंट लोहे को नम वायु और अम्ल के संपर्क में आने से रोकता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, तो हम लोग लिखेंगे कि जब लोहे की कोई वस्तु नम वायु और अम्लों के संपर्क में आती है तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत लग जाती है, इसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। अतः पेंट लगाकर लोहे पर जंग लगने से बचाया जा सकता है, क्योंकि पेंट लोहे की वस्तु को वायु के संपर्क में आने से रोकती है, मतलब नम वायु के संपर्क में आने से रोकती है। इसलिए लोहे की वस्तुओं पर पेंट लगाया जाता है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो आपको बता दें कि नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है जो कि तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों से अभिक्रिया नहीं करता है, और जब ये अभिक्रिया नहीं करेगा तो तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ काफी दिनों तक सुरक्षित रहेंगे, मतलब कि उसमें विकृतगतिता नहीं आएगी। तो हम लोग अब इसको लिखेंगे कैसे, तो हम लोग लिखेंगे तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। कैसे लिखेंगे, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए या विकृतगतिता से बचाने के लिए नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन खाद्य तेल एवं खाद्य पदार्थों में होने वाली आक्सीकरण क्रिया को रोकता है। तो ये आपके चार महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षा में आपके आ भी सकते हैं, इसलिए आप इनकी तैयारी अच्छे से